हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका। आज की वीडियो जो मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट ट्रेंडिंग लहंगा का रिव्यू आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। फर्स्ट लुक की बात की जाए तो इसी लहंगे का रिव्यू मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, इसकी क्वालिटी के बारे में बात करने वाली, इसका फ्लेयर कितना है, क्या हमें इसमें पैसे अपने इन्वेस्ट करने चाहिए, या प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है या प्राइस के अकॉर्डिंग वेस्ट ऑफ मनी है, सब कुछ पूरा डिटेल में बात करेंगे। और जैसा कि पिक्चर्स में दिखाया गया सेम वही रिसीव हुआ है क्या उससे डुप्लीकेट रिसीव हुआ है, तो पूरा फुल डिटेल में बात करने वाले। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आती है और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी और यही वीडियो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप जहां देखिए ये रील एकदम वायरल हो चुकी है। और सभी को जो है इस रील में जो लेडी ने लहंगा वियर किया हुआ, इतना आई सूदिंग, इतना आई कैचिंग है, इतना ग्रेसफुल सा लुक है, तो बिल्कुल उसी लहंगे का मैं आपको रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इसे मैंने अमेजन से परचेज किया है। अमेजन पे भी इस लहंगे के साथ वो वीडियो अटैच थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मंगाया जाए और आपके साथ इसे शेयर किया जाए। तो बहुत ही ज़्यादा बकबक ना करते हुए, मैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बातें कर लेती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके स्कर्ट को ही देखेंगे जो इसका लहंगा है, और आप देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट लुक की बात की जाए तो इस तरह से है। आप देखिए फ्रेंड्स व्हाइट कलर का आपको मिलता है, ये ऑफ व्हाइट कलर है। आप देखिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा फर्क नज़र आ रहा होगा ऊपर के व्हाइट के कलर में, नीचे वाले व्हाइट के कलर में। तो ऊपर का जो इन्होंने ये बेल्ट दिया है ना, पूरा प्योर व्हाइट है, और ये चीज़ जो है एकदम फाइन जॉर्जेट पे है, तो थोड़ा सा ऑफ व्हाइट का कलर आपको मिलेगा इस तरह से। आपको देखिए फ्रेंड्स इस पर जो है सीक्वेंस एंड रेशम के काम किए गए हैं, आई थिंक कैमरे में ठीक से आ पा रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत एंड सफाई से इस पर काम किया गया, कुछ भी मैसीनेस नहीं है, छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हैं, रेशम का काम है, जरी वर्क का काम है। जो गोल्डन जरी वर्क का काम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाउड वाला गोल्डन नहीं, चमकीला गोल्डन नहीं है, डल गोल्डन का वर्क किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस वाइट कलर का कपड़े पे जो ये एम्ब्रॉयडरी की गई ना, बहुत ही प्यारी एंड बहुत ही खूबसूरत लग रही है। क्योंकि एक्चुअली फ्रेंड ये वाइट कलर का है ना, तो थोड़ा सा वीडियो में कभी कभी चमक जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरा फुल अच्छे से दिखा पाऊँ कि हाँ इसकी एम्ब्रॉयडरी कैसी की गई है। आई थिंक अब कैमरे में एकदम आपको साफ नज़र आ रहा होगा। जो वेस्ट साइज़ है मैं आपको बता देती हूँ कितने कमर तक के को ये आने वाला है, इसको मैं अभी अच्छे से आपको मेज़र करके बताती हूँ। मैं यहाँ पे बकायदा मैंने ये फीता लेके मैं बैठी हुई थी ताकि मैं आपको पूरा फुल डिटेल में सब कुछ बता सकूँ, क्योंकि अगर आप लेने की सोच रहे हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई होकर जाइए कि हाँ मुझे इसे लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपका पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए। ये आ रहा है 21.5 इंच, यानी कि 42 इंच तक के लोग या 43 इंच तक के लोग इसे आराम से वियर कर सकते हैं। तो 43 इंच तक अगर आपकी वेस्ट साइज़ है, कमर की साइज़ है, तो ऐसे लोग आराम से इसे वियर कर सकते हैं। और आपको सेमी स्टिच मिलता है, साइड में पूरा फुल्ली ओपन है, बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है, पूरा यहाँ तक आपको इस तरह से पैटर्न मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रॉड सा एम्ब्रॉयडरी मिलती है, ब्रॉड सा पैटर्न किया गया है, आई थिंक हाँ बिल्कुल साफ क्लियर आपको हो रहा होगा। इस तरह से इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है, बहुत ही ग्रेसफुल सी एम्ब्रॉयडरी की गई है, एम्ब्रॉयडरी में कोई भी इन्होंने कमी नहीं रखी है, बहुत ही प्यारी लग रही है लुक वाइज में, बहुत ही प्यारी लग रही है। इस तरह से सीक्वेंस एंड रेशम के धागे का कॉम्बिनेशन दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके इनर की, तो इसका इनर इन्होंने ना वाइट कलर का इनर दिया, पूरा प्योर वाइट कलर में दिया है। इसका फैब्रिक जो है ना सैटन का ही फैब्रिक है, लेकिन थोड़ा सा कॉटन मिक्स है, एकदम वो चमकीला वाला सैटन होता है वैसा वाला कपड़ा नहीं है। और नीचे के साइड में आप देखिए फ्रेंड्स काफी चौड़ा सा फोल्ड किया गया है इस तरह से, इतना मतलब पूरा इतना चौड़ा फोल्ड किया गया है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड बकरम नहीं लगाया गया, थोड़ा सा सेमी हार्ड बकरम है, ना ही बहुत ही कड़ा वाला नहीं है जो एकदम हार्ड आता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने ये एक्चुअली आपने देखा होगा वीडियो में ना, जॉर्जेट का लहंगा है, बिल्कुल सॉफ्ट टच वाला है, जो जिस मॉडल ने इसे वियर किया है आपको देख के पता चल जाएगा कि अंदर उन्होंने कैन का नहीं यूज़ किया, उसका फ्लेयर ही इतना ह्यूज फ्लेयर का उन्होंने वियर किया हुआ है, तो काफ़ी कम्फर्टेबल वाला था, तो इसी वजह से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाला इसमें बकरम नहीं लगाया हुआ है, कैन नहीं लगा हुआ है, इस तरह से आपको मिल जाता। और इनर जो है इन्होंने जो लगाया है ना, सिर्फ इतना लगाया है, इतने फैब्रिक को इन्होंने थोड़े से नीचे वाले फैब्रिक को छोड़ दिया है, और वहां से ना थोड़ा सा सी थ्रू हो जाएगा। देखिए फ्रेंड मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ इस तरह, तो इसके अंदर ना पेटीकोट या फिर कोई व्हाइट कलर की स्कर्ट वियर करनी होगी, क्योंकि ना थोड़ा सा मुझे लगता है ना इनर लगने के बाद भी हल्का सा सी थ्रू मटेरियल है ये, अगर बहुत ही ज्यादा लाइटिंग होगी या फिर नाइट पार्टी में आप इसे जब वियर करेंगे ना, थोड़ा सा सी थ्रू दिखने लगेगा, तो वो अच्छा लुक नहीं आएगा। और
और अगर आप इसके अंदर स्कर्ट या फिर इसके अंदर पेटीकोट वियर करते हैं ना, तो थोड़ा सा हैवी लुक भी हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये हो गया आपने लहंगा, आपने पूरा देख, इसका फ्लेयर देखिए फ्रेंड्स, अच्छा फ्लेयर है। मैं पूरा फुल ओपन करके दिखा रही हूँ, मैं डबल लेयर में भी आपको इसका फ्लेयर दिखा देती हूँ, और ट्राई ऑन में आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स कि लहंगे का घेर आपको कितना आने वाला है। इस तरह से इसका फ्लेयर है। मैं भी आपको इसे रिबन से मीटर वाले फीते से नाप के भी दिखा देती हूँ कि आपको कितने फ्लेयर का जो है ये लहंगा मिल जाता है। मैं ऊपर वाली लेयर जिस पे एम्ब्रॉयडरी की गई है, मैं उसे ही माप लेती हूँ। मैंने एक एंड से स्टार्ट किया है, पूरा फुल ओपन करके मैं नाप रही हूँ। इस तरह से है, आप देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा स्पीड हाई कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 100 सेंटीमीटर का एक मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ये 100 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका 2 मीटर, 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर। 45 के बाद जो है 5 सेंटीमीटर से ही 2.5 मीटर रह जा रहा है, तो लगभग 2.5 मीटर तक का फ्लेयर आपको मिल जाता है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। ऊपर के साइड में आप देख सकते हैं, इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स की डिटेलिंग आपको मिल जाती है, जैसा कि पिक में दिखाया गया था अमेजन में। और फ्रेंड्स, इसमें ना कई पिक आपको मेंशन की हुई मिल जाती है, फर्स्ट पिक, सेकेंड पिक, थर्ड पिक। तो सेकेंड एंड थर्ड पिक में जो फ्लोर पे लहंगा इन्होंने बिछा के दिखाया है ना, सेम वही लहंगा आपको रिसीव होने वाला है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी अच्छी है, लुक वाइज इसका बहुत ही अच्छा आने वाला है। हाँ, ये फ्रेंड्स जरूर बात है कि जो वीडियो उन्होंने इसमें अटैच की हुई ना, सेम वो लहंगा आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस लहंगे का फ्लेयर आई थिंक 5 to 6 मीटर से ऊपर है और उसकी क्वालिटी इससे काफी ऊपर है। तो बिल्कुल आप ये मत सोचिएगा कि आपको वो वाला लहंगा मिलने वाला है, वो भी सिर्फ 2000 रुपीज में। इस लहंगे की जो प्राइस है 199 रुपीज है, 2000 में 1 रुपये कम है, तो इस प्राइस में आपको उस क्वालिटी का लहंगा नहीं मिलने वाला। लेकिन उसकी रेप्लिका बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये पास हैं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी अच्छी है, कपड़े का फैब्रिक भी इन्होंने अच्छा रखा है, फ्लेयर भी अच्छा रखा है, ऐसा नहीं है कि फ्लेयर बहुत ही कम रखा है। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे में इस तरह से आपको मोती वाले लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, जॉर्जेट का दुपट्टा है, एक मिनट, हाँ जॉर्जेट का दुपट्टा है। और पूरे दुपट्टे में आपको ना इस तरह से मोतियाँ अटैच की हुई मिल जाएंगी, जो पिन से अटैच होती हैं ना मोतियाँ, ना बिल्कुल एकदम अच्छे से सिक्योर होती हैं, बिल्कुल निकलने का खतरा नहीं रहता है कि हाँ मोतियाँ बीच में से निकल जाएंगी। उसी तरह से पूरे दुपट्टे में आपको ना बीच बीच में इस तरह से मोतियाँ लगी हुई मिल जाएंगी। तो दुपट्टा इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया, दुपट्टे की चौड़ान बहुत ही अच्छी है, दुपट्टे की लेंथ जो है 1 मीटर 2.25 मीटर से थोड़ा सा कम है, 2.25 मीटर के नियर अबाउट इसका दुपट्टा है। दुपट्टा काफ़ी हैवी है, क्योंकि मोती वाली लेस लगी हुई, इस वजह से काफ़ी हैवी दुपट्टे का लुक आने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्लाउज़ की। तो इसका ब्लाउज़ भी इन्होंने सेम वैसा ही बनाने की कोशिश की है जैसा कि वीडियो में दिखाया गया, मैं अभी आपको शो करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में आपको ब्लाउज़ मिलने वाला है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये है फ्रंट का, है फ्रंट का पोर्शन इन्होंने पूरा फुल एम्ब्रॉयडर्ड दिया है, इस तरह से है। और ये बैक के लिए इन्होंने इतना कपड़ा दिया है, या फिर एक्स्ट्रा कपड़ा इन्होंने प्रोवाइड किया, क्योंकि बैक के लिए इन्होंने इस अलग से कपड़ा फैब्रिक दिया हुआ है। और ये है बैक के लिए फैब्रिक है, इस तरह से इन्होंने इतना बड़ा सा फैब्रिक दिया है बैक के लिए। और ये हो गया आपका फ्रंट का पोर्शन हो गया। इसके बाद जैसा उसमें दिखाया गया था, फुल स्लीव मॉडल ने वियर किया है, तो फुल स्लीव का ही आपको डिटेल मिल जाती है। स्लीव इसकी बहुत ही प्यारी इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है, आप देखिए फ्रंट, इस तरह से स्लीव आपकी बन के आने वाली है, जो कि बहुत ही प्यारी लगेगी। यहाँ तक है, एक स्लीव यहाँ तक है, 3/4 स्लीव से थोड़ी सी ऊपर ही आ रही है, लगभग मुझे लगता है फुल स्लीव से थोड़ी सी छोटी आएगी, इतनी आ रही है यहाँ तक, तो 3/4 स्लीव से ऊपर आएगी। और लुक इसका बहुत ही प्यारा आ रहा है, स्लीव का लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये हो गई दोनों स्लीव्स हो गई, और इसके साथ आपको ना अंदर की साइड में इनर का कपड़ा भी मिल जाता है। आप चाहें तो कॉटन का फैब्रिक लगवा सकते हैं, नहीं तो हल्का सा कॉटन या टेरिकॉट मिक्स कपड़ा है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है अनकम्फर्टेबल होगा वियर करने पर। तो इसके अंदर आप कॉटन का फैब्रिक स्टिच करवा सकते हैं इस ब्लाउज में। दोस्तों, मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखा दी हैं, और पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि किसमें क्या कमियां हैं और किसमें क्या खूबियां हैं, क्योंकि इसका जो आपको लहंगा मिलने वाला है वो उसकी रेप्लिका ही मिलने वाली है, ओरिजिनल पीस आपको नहीं मिलने वाला है इतने प्राइस में। लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक जो है इसको जो है कॉपी किया है, कॉपी करने की कोशिश की है और कॉपी किया भी है। तो अगर आपको वाइट कलर के लहंगे में इंटरेस्टेड हैं आप, और आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसका फ्लेयर कितना है और कितने
कितने वेस्ट तक के लोगों का आएगा मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स, ताकि कोई भी आपसे जानकारी मिस ना हो जाए। अगर आपको लहंगे का रिव्यू हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और हम उतनी ही एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। नहीं तो फिर बहुत ही डीमोटिवेशन होता है कि हमारा काम, हमारी वीडियोस आपको नहीं पसंद आ रही हैं। बस इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। दोस्तों ये था मेरा अमेजन लहंगे हॉल का वीडियो, मोस्ट ट्रेंडिंग लहंगा हॉल का रिव्यू। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकी हो कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।